उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर विश्वविद्यालय में लगे अंबेडकर के विचारों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर अलग अलग जिलों से आए कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए बाबा साहेब को दर्शाया। वहीं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया कि आज इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुनने को मिला, कई सारी बातें की जिसमें बाबा साहब के द्वारा किए गए काम व शिक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर किए गए काम के प्रति एक संदेश दिया गया। निश्चित तौर पर सीएम के संदेश से विश्वविद्यालय में प्रगति होगी और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा मिलेगा। किया गया तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे, तमाम तरह की बातें हुई अपने संदेश में उन्होंने कहा, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें अंबेडकर के विचारों को दर्शाया गया है, तमाम तरह की चीजें दिखाई गई। इस वक्त हम अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे दिखाएं डायरेक्टली कहकर, यहाँ पर एक तरह से रंगोली बनाई गई है जिसे आमतौर पर देखा जाता है प्रदर्शनी के तौर पर, ये संकेत है कहीं ना कहीं भारत के संविधान को बनाने की पहल की जा रही है। इस वक्त खुद यहाँ के प्रोफेसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि विचारों को किस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा और आने वाले समय में इसका विचार कितना तौर पर लाभ होगा। मैम, मुख्यमंत्री ने तमाम तरह संबोधन किया है, विचारों को भी उन्होंने कहा, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? आज के मौके पे सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ, ये एक इतिहास हो गया है यूनिवर्सिटी के लिए कि आज हमारा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक ही मंच पर आकर के खड़ा हुआ और सिर्फ देश की भलाई के लिए और हमारे देश के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जो पिछड़े हैं, जहाँ तक कि लोग नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर आज ये सरकार पहुँचेगी और उनको बहुत आगे ऊपर उठाने के लिए तत्पर रहेगी। मैडम, आप कैसे देख रही हैं, एक तो अंबेडकर का नाम इस यूनिवर्सिटी, उसके बाद विचारों को इस तरह से फैलाना, कैसे चीजों पे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अभी माननीय योगी जी ने अनाउंसमेंट भी की कि विश्वविद्यालय ने 5 गांव गोद लिए हैं और हमें वहाँ कार्य करना होगा। इस विश्वविद्यालय का हर शिक्षक, हर बच्चा जुड़ना चाहिए समाज के साथ। वो जो एक बात माननीय योगी जी ने कही है, मुझे लगता हम लोग ज़रूर उसको फॉलो करके और आने वाले समय में समाज के हर तबके तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय समाज के हर वर्ग के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा लगा रहेगा। उस पर मुझे लगता है अब हम लोग बहुत जोर शोर से काम करेंगे। शुक्रिया, जैसा कि उन्होंने कहा कि अंबेडकर के विचारों के साथ काम करेंगे, आप सहयोगी से हम कहना चाहेंगे अपने दृश्य को दिखाएं कि जो पेंटिंग के जरिए कहीं ना कहीं दर्शाया गया ये चीज़ों को लेकर, वो भी अद्भुत है। दो दिनों की प्रदर्शनी थी, इससे पहले पेंटिंग के जरिए तमाम तरह की चीज़ों को दिखाया गया था, इसमें आप देख सकते हैं स्केचिंग भी की गई है पेंटिंग के जरिए, वो भी दिखाया गया था। इसके अलावा आप देखें कि अंबेडकर के शुरुआती दौर में जो संघर्ष था, जो लोगों के साथ बैठक थी और किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ हम एक बुद्ध की तौर पर भी हम देखें कि यहाँ पर कैसे चीज़ों को दिखाया जा रहा है। इसमें भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो अलग अलग दस्तावेज के तौर पर भी हम देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। उस समय जो उनकी एक जो पत्र निकाले गए थे मुकनायक, आप मुकनायक के तौर पर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ों को दर्शाया गया। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से कहीं ना कहीं एक समाज में अच्छा संकेत दिया जा रहा है। आने वाले समय में एक तरह से देखा जाए तो अंबेडकर के जो 75 साल के, अगर भारत आज़ादी की बात किया जाए तो 75 साल में जो संघर्ष रहा है इनका और संविधान के बदौलत जो एक सूत्र में बांधने की पहल की जा रही है, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, जो सरकार की पहल है अंबेडकर के लेकर, अंबेडकर के विचारों को फैलाने की, वो सराहनीय है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो दबे कुचले लोग हैं, तमाम में जो चीज़ों पिछड़े लोग हैं, वो समानता के साथ आगे बढ़ सकें। सहयोगी अमृत के साथ मैं सती संगम, जनधन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।